नमस्कार दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग तारीख है दोस्तों 15 मई 2024 और यहां पे 16 मई 2024 के लिए थ्री स्टार सेक्शन में तीन स्टॉक्स इंटरडे के लिए सिलेक्ट कर लिया है उसके इंटरडे लेवल बताने से पहले मैं ध्यान से सुने कोई भी प्वेशन बाइंग और सेलिंग की सलाह यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है अगर आप ट्रेड करते हैं उन स्टॉक्स या उन लेवल्स पर तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह सलामसा जरूर कर लें क्योंकि आपका लाभ नुकसान की जिम्मेदारी चैनल की बिल्कुल भी नहीं होगी तो चलिए यह था डिस्क्लेमर और शुरुआत करता हूँ सबसे पहला स्टॉक की तरफ लेकिन बता ट्रेडिंग कोर्स का एनरोलमेंट स्टार्ट है 18 मई लास्ट डेट है इनरोलमेंट का 20 मई 2024 से बैच स्टार्ट है आप मेरे मोबाइल ऐप के थ्रू ले सकते हैं तो सबसे पहला स्टॉक है थ्री स्टार सेक्शन में बीपीसीएल का भारत पेट्रोलियम का तो हम लोग क्या समझेंगे इसमें पहले सिलेक्शन रीजन देखिए स्टॉक के सिलेक्शन रीजन लोग यही पूछते हैं हाउ डू यू सेलेक्ट स्टॉक हाउ डू यू सेलेक्ट स्टॉक भाई डेली बताता हूँ डेली बताता हूँ क्यों सेलेक्ट किया कैसे सेलेक्ट किया डेली है ना बस पांच मिनट का भी अगर पेशेंस है तभी तो सीखेंगे समझ पाएंगे अब देखिए ये पंद्रह मिनट के चार्ट पे बीपीसीएल ने क्या किया है कि छ तारीख पहले ये एरिया सपोर्ट हुआ करता था छह तारीख को उस एरिया को तोड़ा तो ये अब ये जो सपोर्ट एरिया था वो हो गया रजिस्टेंस में कैसे क्योंकि जब ये ऊपर गया तो वहां से सस्टेन नहीं कर पाया गिर गया तो इसका मतलब जो सपोर्ट था वो रजिस्टेंस बन गया दोबारा से फिर गया फिर नहीं सस्टेन ब्रेक कर पाया फिर गिर गया यानी कि रेजिस्टेंस बना हुआ है, रजिटेंस, रजिटेंस, है? फिर आज गया है उस जगह पर और उसके पास में ही क्लोज कर रहा है तो क्या लग रहा है इतना हेवी हे को ये तोड़ सकता है अगर तोड़ देगा तो अच्छी बात है और नहीं तोड़ेगा तो फिर ऐसे हो जाएगा गिर जाएगा समझ में आया सिलेक्शन क्यों किया चार से पांच बार तीन से चार पांच बार ये रेजिस्टेंस ले रहा है एक खास प्राइस को इस वजह से और आज उसके पास में सस्टेन कर रहा है तो एक पॉसिबिलिटी बन सकता क्या करेंगे बाय करेंगे छह सौ चौबीस रुपए ट्वेंटी फोर का जो टारगेट होगा कितना हो जाएगा सिक्स थर्टी फोर छह सौ चौतीस दूसरा सिक्स थर्टी नाइन छ सौ उनचालीस सिक्स फोर्टी फोर छः सौ चौवालीस का लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ और यहाँ से रिजेक्शन ले लेता है पहले की तरह तो सेल करेंगे छः सौ बाईस के नीचे सेल बिलो सिक्स ट्वेंटी टू स्टॉप लोस कितना का हो जाएगा छः सौ सत्ताईस रुपए का सिक्स ट्वेंटी सेवन का और जो टारगेट होगा वो छः सौ सत्रह सिक्स सेवनटीन छह सौ बारह सिक्स ट्वेल्व और तीसरा सिक्स हंड्रेड सेवन छः सौ सात रुपये का शुरू के पांच मिनट बिल्कुल भी आपको ट्रेड को अवॉइड करके चलना चाहिए उसके बाद स्टॉक या सेलिंग लेवल को एग्जीक्यूट करें तो ट्रेड करें अदरवाइज स्टेट को आप कर दें तो ये पहला स्टॉक क्या हो गया पहला स्टॉक है बीपीसीएल भारत पेट्रोलियम चलिए आगे बढ़ता हूँ बीपीसीएल के बाद दूसरा स्टॉक की तरफ बढ़ता हूँ उसका नाम यहाँ पे लिखता हूँ एम महानगर गैस ठीक है दोनों सेम कंपनी मतलब सेम सेक्टर का महानगर गैस क्या कर रहा है महानगर गैस भी एक ट्रेन लाइन को सपोर्ट ले रहा है जैसे वो एक लाइन को रेजिस्टेंस ले रहा था ये एक को सपोर्ट ले रहा है, बार -बार देख रहा है। और इसी तो एक बाउंस मिलेगा बाय साइड अदरवाइज तोड़ के नीचे आता है तो सेल साइड ऊपर मान लेते हैं बाउंस करता है तो बारह सो बिरानबे रुपए के ऊपर खरीदारी होगी बाय वन टू नाइन टू जो स्टॉप लॉस होगा वो बारह छियासी रुपए का वन टू एट सिक्स का और जो टारगेट होगा वो बारह सौ अंठानवे वन टू नाइन एट दूसरा टारगेट तेरह चार और तीसरा टारगेट तेरह सौ दस का लेकिन अगर नीचे की तरफ में ब्रेक कर जाता है तो सेल करेंगे सेल बिलो वन टू एट जीरो बारह अस्सी के नीचे बेचेंगे स्टॉप लॉस हो जाएगा बारह सौ छियासी वन टू एट सिक्स का और जो टारगेट होगा वो बारह सौ चौहत्तर वन टू सेवन फोर दूसरा टारगेट होगा बारह सौ अड़सठ वन टू सिक्स एट अंत टारगेट होगा बारह सौ का फर्स्ट टारगेट के पास भी स्टॉक पहुंचता है तो जरूर अपना 50 टू 70 परसेंट क्वांटिटी बुक कीजिए बाकी का आप अपना स्टॉप रोस्टेल करके चल सकते हैं तो ये है सेकेंड स्टॉक महानगर गैस ये ध्यान रखिएगा अब तीसरा और फाइनल स्टॉक की तरफ बढ़ता हूं है ना और उसका नाम आपके सामने में लेकर आता हूं चलिए मैं हटाया पहले यहां से और तीसरा और फाइनल स्टॉक तो, बीच में कहीं वीडियो फंसा हो तो माफी चाहूंगा तीसरा स्टॉक है भारतीय अच्छी तेजी रही दो परसेंट के लगभग आसपास में भारतीय एयरटेल में और ये आ गया अब भारतीय एयरटेल देखिए भारतीय एयरटेल का जो आप एरिया देखते हैं ये पंद्रह मिनट का चार्ट है लेकिन आपको पंद्रह मिनट का चार्ट देखने की कोई जरूरत नहीं है आप आवर्ली चार्ट भी देख सकते हैं अवर्ली चार्ट देखने से थोड़ा सा ये हो रहा है कि जो चार्ट फैला हुआ था थोड़ा सा सामने में आ गया पूरा है ना यही हुआ तो ये मई के शुरुआती एक मई से ही इसी एरिया पर ये रेजिस्टेंस ले रहा है देख रहे हैं तो पंद्रह दिन के रेजिस्टेंस को यह ब्रेकआउट करने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है भारतीय तो तेरह सो चौदह रुपए का और टारगेट होगा तेरह सो छब्बीस वन थ्री टू सिक्स दूसरा टारगेट होगा तेरह सो बत्तीस वन डबल थ्री, थ्री टू और तीसरा टारगेट तेरह सो अड़तीस का लेकिन अगर ये नीचे ब्रेक करता है तो हम लोग सेल करेंगे 1305 के बिलो सेल बिलो 1305 जो स्टॉप लॉस होगा वो 1311 सौ का वन थ्री डबल वन का टारगेट होगा बारह सौ निन्यानवे वन टू डबल नाइन दूसरा टारगेट होगा बारह सौ तिरानवे वन टू नाइन थ्री और तीसरा टारगेट होगा बारह सौ सतासी वन टू एट सेवन का बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करने की गलती कभी ना करें और अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ जरूर करें तो ये वीडियो और एनसीज पसंद आए जरूर फीडबैक करें कमेंट करें मुझे बताएं और साथ ही इनरोलमेंट स्टार्ट है इंटरनेट ट्रेडिंग कोर्स मई 2024 बैच के लिए 18 मई लास्ट डेट है इनरोलमेंट का 20 मई 2024 से बैच स्टार्ट है मिलवा नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद